श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। नमस्ते दोस्तों, आपका सामने मैं समर रॉय फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ। आज का जो टॉपिक्स है ये है सैम्पल लेंथ एंड बिट डेप्थ। मतलब जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई सेशन खोलते हैं या नया सेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ दिखाई देता है, एक है सैम्पल लेंथ, दूसरा है बिट डेप्थ। अब ये सैम्पल लेंथ और बिट डेप्थ जब तक हम लोग ठीक ठाक सेटिंग करके नहीं देंगे तब तक हमारा नया प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा, चाहे आप न्यू एंड में करें या प्रो टूल्स में करें या क्यूबेस में करें लॉजिक में करें सब में। लेकिन जब भी आप रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको ये चीज़, ये दो चीज़ आपको देना ही पड़ेगा, एक है सैम्पल लेंथ, दूसरा है बिट डेप्थ। अभी सवाल यहाँ पे आता है कि सैम्पल लेंथ क्या है और बिट डेप्थ क्या है। मतलब हमारा जो वर्क स्टेशन जो है डॉ जिसको बोलते हैं DAW डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, ये सॉफ्टवेयर एक सेकंड में कितना टुकड़ा करेगा, आपका जो अपने जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कितना टुकड़े में डिवाइड करेगा ये तय करता है सैम्पल लेंथ। सैम्पल लेंथ कितने कितने होता है, 44.1 किलोहर्ट्ज़, 88.2 किलोहर्ट्ज़, 96 किलोहर्ट्ज़ एंड 192 किलोहर्ट्ज़। मतलब इस तरह का जो सैम्पल लेंथ है ये हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, 44.1 किलोहर्ट्ज़ मतलब एक सेकंड में आपका जो साउंड आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आपका डॉ, आपका जो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन एक सेकंड में 44,100 टुकड़ा कर रहा है। अगर आपका सैम्पल लेंथ 44.1 किलोहर्ट्ज़ है तो मान लीजिए आपने आपका सैम्पल लेंथ 48 किलोहर्ट्ज़ रखा है, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में आपका जो ऑडियो टुकड़ा होगा ये होगा 48,000 टुकड़ा होगा एक सेकंड में। यह है सैम्पल रेट। ऑडियो का टुकड़ा जितना ज़्यादा होगा, मतलब सैम्पल रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको स्मूथ एडिटिंग ऑप्शन मिलेंगी इन फ्यूचर में। जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में काम करोगे एडिटिंग ऑप्शन उतना अच्छा मिलेगा आपको। अभी आते हैं हम बिट डेप्थ में। एक सेकंड में आपका जो ऑडियो सैंपल है या कोई भी ऑडियो सैंपल को ले लीजिए आप, उसका जो एम्पलीट्यूड वॉल्यूम, एम्पलीट्यूड जो वॉल्यूम है उसको एनहेंस करता है। मतलब उसमें भी एक टुकड़ा होता है उसको एनहेंस करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड वॉल्यूम जो है यह है बिट डेप्थ। अगर आपका बिट डेप्थ 16 बिट है तो उसका एम्पलीट्यूड जो टुकड़ा होगा वो बहुत बड़ा 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 टुकड़ा होगा, तो उसको लेके आप ज़्यादातर कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत एडवांस काम नहीं कर सकते हैं उसमें। लेकिन आपका बिट डेप्थ अगर 24 बिट होगा तो उसमें उसका जो टुकड़ा है, एम्पलीट्यूड जो टुकड़ा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, उसमें आप इन फ्यूचर में एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा वो। हम लोग जब ऑडियो सीडी बनाते हैं उसका इंटरनेशनल सैम्पल लेंथ एंड बिट डेप्थ है 44.1 किलोहर्ट्ज़ सैम्पल लेंथ एंड 16 बिट है उसका बिट डेप्थ। तो ऐसा अगर बिट डेप्थ रहेगा और सैम्पल लेंथ रहेगा तो ऑडियो सीडी बन पाएगा। लेकिन आजकल की तारीख में जब हम लोग काम करते हैं, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, 48 किलोहर्ट्ज़ सैम्पल लेंथ रखते हैं और 24 बिट उसका बिट डेप्थ रखते हैं। उसमें क्या होगा, आपका ऑडियो क्वालिटी बहुत प्रिस्टीन होगा। जैसे कि हायर सैम्पल लेंथ, इसका मतलब आपका ऑडियो में रेजोल्यूशन बहुत हाई होगा, जितना हायर करेंगे उतना हायर होते जाएंगे। आपका बिट डेप्थ जितना हाई करेंगे आप, आपका ऑडियो एम्पलीट्यूड रेट भी बहुत बढ़िया होगा। इसका मतलब ये मत समझिए कि 16 बिट से लेके अगर 24 बिट में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा ऑडियो का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं। आपका इच्छा है कि क्रिस्टल क्लियर साउंड आप उम्मीद करते हो आपका प्रोडक्शन से, तब आपको हाई बिट रेट 24 बिट जो डेप्थ है उसी डेप्थ में आपको रिकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा और सैम्पल लेंथ मिनिमम आपको 48 किलोहर्ट्ज़ सैम्पल लेंथ रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा आप हमेशा 24 बिट और सैम्पल लेंथ आपको चाहिए 48 किलोहर्ट्ज़, इस सैम्पल लेंथ में अगर रिकॉर्डिंग करेंगे
तो आपका ऑडियो क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू योर साउंड कार्ड ऑल्सो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपन योर साउंड कार्ड डिवाइस, जो ऑडियो इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस तगड़ा होगा या स्टैंडर्ड क्वालिटी, मिनिमम आपको एक मीडियम स्टैंडर्ड क्वालिटी का साउंड कार्ड होना चाहिए, उसमें आपका सैम्पलिंग रेट 48 किलोहर्ट्ज़ होना चाहिए और बीट डेप्थ 24 बीट होना चाहिए। इस हालत में आप अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका ऑडियो क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छा होगा और आपको आपका उम्मीद के अनुसार प्रोडक्शन क्वालिटी भी मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि ये सैम्पल रेट क्या होता है और बीट डेप्थ क्या होता है। तो सैम्पल रेट और बीट डेप्थ इन दोनों को मानते हुए आप चलिए, जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसको देखिएगा, क्योंकि कम सैम्पल रेट वाला जो फाइल साइज होगा ऑब्वियसली ज़्यादा सैम्पल रेट ज़्यादा बीट डेप्थ वाला फाइल साइज ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा सैम्पल रेट आप यूज़ करोगे अपना ऑडियो फाइल उतना ही ज़्यादा मतलब साइज में बहुत बड़ा होते रहेंगे, और जितना कम सैम्पल रेट में काम करोगे आप आपका ऑडियो फाइल साइज उतना कम होते रहेंगे। ऑब्वियसली कम जगह लेगा वो, लेकिन आपका हार्ड ड्राइव में अच्छा जगह है, आपका कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में अच्छा खासा जगह है, फ्री स्पेस है, तो आप हाई एंड सैम्पल रेट में आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों मैं लगता कि आपको ये अभी कन्फ्यूजन जो है ये दूर हो गया होगा, और एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप इसका एक बार खुद आजमा के देखिए, तो देखने के बाद हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन याद रखिए, जब तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपका कोई क्वेश्चंस का आंसर हमारा चैनल से आपको दिया नहीं जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे रहिए। और फिलहाल अभी कोरोना वायरस का बहुत डर चल रहा है हमारा इंडिया में, सो अपने आप को बचा के रखना। धन्यवाद।